हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा एक और डिमांड है क्वेश्चन नंबर 56 के साथ चैप्टर 1 पार्टनरशिप का। देखो, ये क्वेश्चन जो आपने पिक किया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं देखे थे, ये एकदम डिफरेंट है। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी ये जान लो, अगर कोई पार्टनर अगर किसी को गारंटीड दिलाता है, अगर दूसरे पार्टनर को, ये पॉसिबल है, बट ये भी पॉसिबल है साथ साथ कि आप किसी फर्म को गारंटी दिलाते हो, आप किसी फर्म में काम करते हो। ठीक है, उस फर्म को आपने गारंटी दिलाया कि आप उनको इतनी प्रॉफिट इस साल दिलाकर ही रहोगे। ठीक है, तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि आप दिला भी देते हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, आप जितना एक्सपेक्ट किए रहते हो, जितना सोचे रहते हो ना, उतनी प्रॉफिट नहीं मिल पाती है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी हम अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट किस साइड आता है? देखो, इस साइड आता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट शेयर करते हैं, और अब इस साइड हम देखो लॉस ले जाते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए कि अगर आपके हिसाब से, अगर जितना, जैसे इसमें देखो क्वेश्चन में कहा जैसे 70,000 है, 70,000 प्रॉफिट कहा था वो पार्टनर की, 70,000 प्रॉफिट हम करके रहेंगे, मगर वो 64 पे अटक जाता है, तो 6,000 जो वो नहीं कर पाए, जो वो गारंटी दिया था, तो वो जो पार्टनर गारंटी दिया था फर्म को, उसके लॉस में चला जाएगा। ठीक है, सारे पार्टनर्स लॉस में नहीं जाएंगे, जो गारंटी दिलाया था सिर्फ वो लॉस में जाएगा। तो ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं अपना। देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 80,000 50,000 हमारा कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है 10% पे। चलो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं, 2:2:1 इनका दिया हुआ है, तो लिख लो 2:2:1। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे अगर लगाएंगे, पार्टनर कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो कितना आएगा, 8,000। ठीक है, सॉरी, ये 5,000 आएगा, 5,000 है ना, इनका 50,000 कैपिटल था। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, 21,000। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, जेड को सैलरी मिल रही है कितना, 5,000 पर क्वार्टर, चार क्वार्टर होते हैं, तो मतलब सैलरी कितनी होगी, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी कितनी हो गई, 2 सैलरी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो किसकी सैलरी, जेड की सैलरी है, तो 20,000 सैलरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट लिख लो, बाय प्रॉफिट। देखो, आप ये मत सोच रहे इधर प्रॉफिट लिखते हो तो इधर लॉस शेयर करते हैं। देखो, पार्टनर का डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस किस साइड जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट ले जाते हो डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ ले जाते हो डिविजिबल लॉस। ठीक है, जो पार्टनर अपना शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे प्रॉफिट वो कहा था कितना, 74,000 करेगा, मगर प्रॉफिट हुआ कितना, 64,000। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों वही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 10%। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द ईयर वाला केस है, मतलब कि वही वैसे जब करते हैं ना, हाफ कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद, सॉरी ड्रॉइंग निकालने के बाद हाफ कर देंगे उसके अमाउंट को। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर करके। ठीक, चलो, तो एक्स वाई जेड, तो 15,000 इनका था, 15,000 का 10% निकालोगे तो 1500 आ गया, 1500 का हाफ कर दो कितना आ गया, 750। तो ये कितना आ गया, इनका कितना था यहाँ पे देखो, 12,000 का निकालोगे 1200, हाफ करोगे 600, और वैसे ही इनका 500 ऐड कर लो तो 1850। और साथ ही साथ यहाँ लिख लो, बाई लॉस, किसकी वजह से हो रहा है लॉस, यहाँ पे देखो गारंटी कौन दिलवाया था, यहाँ पे देख लो, गारंटी टू द फर्म वुड बी नॉट लेस देन 70,000। देखो किसने किया था, जेट ने, तो जेट का नाम लिख लो, कितना हो रहा है यहाँ पे, 6,000 लॉस हो रहा है, कैसे, 64,000 हमारा प्रॉफिट हुआ ही। ठीक है, अब इसको पूरा ऐड कर लो तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 50 और ये 8 और 6 × 11 और ये 71,850। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 41,000, तो यहाँ पे निकाल लो, 41,000 से माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे कितना आ रहा है, टू प्रॉफिट आ गया हमारा 30,850। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आ गया 71,850, दोनों का कॉलम इक्वल होता है, जानते हो। ठीक है, दोनों का सम इक्वल होता है, जैसे हमने अभी देखा था ना, अमाउंट शुड हैव बीन अमाउंट ऑलरेडी, दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो वैसे ये भी होता है। अब इसको शेयर करना है इनके बीच, अगर इसको निकालोगे तो 1/5 हो जाएगा, तो इसका 1/5 कर लो पहले एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो जेड का पहले निकाल लेते हैं, 1/5 निकाल लेंगे आ जाएगा, मतलब 6,000
170 आ रहा है, अब इसका डबल कर लो 12,340, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना सा इसमें था, कुछ समझना इतना सा था बस कि प्रॉफिट हम कितना लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट हमारा कह रहा था कि 70,000 को दिलाएगा, जेड कह रहा था कि हम प्रॉफिट दिला कर रहेंगे आपको, 70,000 गारंटी दिया था, बट वो अपने गारंटी पे खड़ा नहीं उतरा, तो जो लॉस हुआ कम, जितना कम प्रॉफिट हुआ ऐसे समझो, जितनी कम प्रॉफिट हुई उतना अमाउंट जेड के लॉस वाले कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, सारे पार्टनर्स के नहीं, सिर्फ जेट के, क्योंकि वो गारंटी दे रहा था, बाकी पार्टनर्स की तो कोई गलती नहीं थी, कि वो तो नहीं कह रहे थे कि इतना प्रॉफिट मैं दिला के रहूंगा, इनकी गलती थी इसलिए वो उनके कॉलम में चला गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आप जानते हो इसको देखो हाफ कर देते हैं हमेशा, देखो अगर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमने निकाल लिया, उसको ऐड कर लिया, फिर लॉस को भी यहाँ पे ऐड कर लिए, तो आ गया 71,850, उसमें से ये माइनस कर दिए 41,000, ताकि आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट जो अब हम तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तीनों पार्टनर बीच के कौन से बांटेंगे, 30,850 हमारा सैलरी था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो उसको तो माइनस कर लिया जो अब आया। अब इसको हमने क्या किया, देखो डिवाइड कर दिया, हमारा रेशियो क्या था, 2:2:1 में सबसे लास्ट वाला पार्टनर का हमने पहले निकाल दिया 1/5 करके, 1/5 कर दिया कितना आ गया 6,170, फिर उसका डबल कर दिए तो दोनों अमाउंट को ऐड कर दिए, देखो कितना आ गया 12,340, फिर 6,170 तीनों को ऐड कर दिए तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट आ गया 30,850। तो ये हमारा मेन आंसर था। तो कैसे लगी वीडियो, कंप्लीट है हमारी, एकदम अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और BHT के साथ।